देश तो सारा बेच दिया उन्होंने, सब बेच दिया, बिजली बेच दी, रेल बेच दी, और आपका ये गैस बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, छोटा क्या देश के अंदर लोगों की जेब खाली कर ली। आप हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी? हाँ हुई थी। उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था देश भर में। ये मूर्ख आदमी है जो ऐसा करते हैं। धर्म कभी कोई किसी को गलत राह पर नहीं ले जाता है, जो एक दूसरे पर छिंटा कसी करते हैं कि मुस्लिमों के प्रति। यहाँ मानव धर्म है, मानव धर्म को मानते हैं, मानव है जो भी कुछ है, हम किसी को नहीं मानते हैं। हमारी बहन जी कभी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, जमीन पर काम करती है, जो कहती नहीं उसको करके दिखाती है। यहाँ क्या माहौल है, यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ जो माहौल है, बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, हमारे जो है अधिक से अधिक कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी जीत खा रहे हैं, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। पर मीडिया तो मना कर रहा है सर। मीडिया तो जो है मना कर रहा है, ये तो हमारा जो है कांशीराम साहब ने बता दिया था, कांशीराम साहब ने बताया था हम टीवी पर, अखबार पर, मीडिया पर, इन लोगों पर विश्वास न करना। ये तो बिकाऊ है सब, कैडर के लोग लग रहे हैं। हाँ मैं कैडर का आदमी हूँ, कैडराज आदमी। मेरा नाम ओम प्रकाश बोध है और लॉर्ड बुद्धा सेवा समिति का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और बहुजन समाज पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ, जो वाम से भटक गई है। सही बात है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब युवा हमारी साथ है, सब बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। चंद्रशेखर भी तो है? चंद्रशेखर है ठीक है, वो भीम आर्मी तक सीमित था, वो भीम आर्मी तक सीमित था, राजनीतिक पार्टी आकर गलत कोई वोट नहीं दे रहा। वोट नहीं नहीं हमारी एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। मेरा नाम सोनू गौतम है, मैं भीम आर्मी का ग्राम अध्यक्ष, पूर्व ग्राम अध्यक्ष रहा हूँ मैं। जो भारतीय जनता पार्टी है ये भारतीय नाश करने वाली पार्टी है, भारत का नाश करना चाहती है ये। इसको वोट जो देगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है। वो तो कह रहे देश आगे जा रहा है, देश तो बहुत पीछे जा लिया है। जो कभी आज़ादी से पहले देश था वहाँ पे देश पहुँच चुका है। तो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इस देश को आगे ले जाने का काम करेगी। और मैं चंद्रशेखर भाई को भी कहना चाहता हूँ, मैं भीम आर्मी का ग्राम पूर्व ग्राम अध्यक्ष रहा हूँ, पूरी भीम आर्मी बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़ी है, मैं भीम आर्मी का अध्यक्ष रहा हूँ। तो विकास ने क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने क्या विकास किया? मैं लक्सर क्षेत्र का रहने वाला हूँ, अभी अभी चुनाव का टाइम आ गया है, सड़कें बनाई हैं और वहाँ 10 दिन बाद उखड़ी पड़ी हैं, जो विकास कर रहे हैं। और क्या विकास किया? मोदी जी कह रहे देश आगे जा रहा है। नहीं नहीं कहीं आगे नहीं जा रहा, कहते हैं 3-3 बार सीएम चेंज कर दिया बीजेपी। 3-3 बार सीएम चेंज जो किया, अभी उनकी चाल है, वो चाल है कि जो सीएम बनता है वो रिकॉर्ड में चढ़ जाता है, उसकी पेंशन आनी शुरू हो जाती है। मुद्दा तो खुद ही बना गया, जब वो ऐसे वो बोल रहे हैं, मुद्दा तो बना गया। चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए? जातिवाद पे, धर्म पे होना चाहिए, विकास पे होना चाहिए? चुनाव तो जो है विकास पे होना चाहिए, काम कार्यों पर चुनाव होना चाहिए, जो अच्छे कार्य करेगा वही अगर कामयाब होगा। झोपड़ी तो क्या, बल्कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान बदला है। बाबा साहब ने तो इस देश का नाम दैट इज इंडिया भारत रखा है। ये जो लोग आज कहते हैं इसे हिंदुस्तान बना मांगे, हिंदुओं का देश, कोई यहाँ हिंदू ही रहते हैं, यहाँ हर समाज रहता है, मुस्लिम भी रहता है, ईसाई भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, सभी समाज रहता है। बाबा साहब ने इस देश को गणतंत्र राज्य बनाया है, तो ये देश जो है भारत देश है। और यहाँ का हर आदमी जब से बीजेपी सरकार आई है, चाहे वो हाई कास्ट है या छोटा आदमी है, वो सारा परेशान है जब से। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका विकास है कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास कहाँ रहेगा? ये क्या इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास? तो ये कहा था गुरुदास जी ने, कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को, छोटे बड़े सब संबसे रहदास रहे प्रसन्न। ये तो बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया है। बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार रही है। बहन जी का क्या काम अच्छा लगता है आपको? बहन जी ने तो जो भी काम किया है सारे अच्छे लगे हमें, बहन जी के सारे काम अच्छे लगे हमें। सबको समान अधिकार दिया है, सबको बराबरी का अधिकार दिया है, सबको रोजगार देने का काम करा है, सारे काम अच्छे लगे हैं।
और बीजेपी कह रही है हमसे अच्छा काम किसी ने नहीं किया। बीजेपी तो झूठ बोलने वाली झूठों की पार्टी है। बीजेपी तो ये भी कहा थी, मोदी ये कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, सबको अमीर बनाने की बात करा था। कितने कितना खाते में आए भाई बताइयो भाई, आए आए आपके खाते